हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकीवल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टाइप थ्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप वन और टू के क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो चलिए, टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ये है कि देयर इज़ अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12 एंड देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर इज कितना। कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड, क्या बोला है कि 40% ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा ये है, तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। रेशियो में दिया हुआ है, तो अगर हम इंडिविजुअली लेंगे तो 5x हो जाएगा। और बोला क्या है, फिर 40% ऑफ इस, तो 40% होता है 40/100, ये हो गया 40% ऑफ, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमने इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 12, तो हमने 12 लिख दिया। हमारे इक्वेशन कुछ इवन, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × ये 100, मतलब ये कट जाएगा, तो 10 और 5 × 20 होता है, तो 20, तो ये हो जाएगा 2 6, तो x इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। अब बोल क्या रहा है कि हमें चाहिए 50% ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमारा यहाँ 4 है, तो दैट मीन्स 4x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में 4 है और हमने x लिया है, पहले एक वेरिएबल ले लिया। अगर यहाँ दूसरा वेरिएबल ले लेंगे तो कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो तरीका ही यही है फ्रेंड, दोनों वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। 4x हो गया, अब इसका 50%, तो 50% मतलब इसका हाफ हो जाएगा, तो दैट मीन्स 4x का हाफ हो जाता है 2x, और x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 आ गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 12, 12, तो यही 12 हमारा आंसर होगा जो पूछ रहा है। क्या पूछा है, 50% ऑफ द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा 4x, 50% ले जाएंगे 2x बचेगा, और x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 है, तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 2 = 12, तो यही हमारा 12 आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ मिल्क मैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाई सेलिंग अ मिक्स मिल्क मिक्सड विथ वाटर एट 9 लीटर पर 9 रुपीज़ पर लीटर। इफ द सीपी ऑफ द 1 लीटर प्योर मिल्क इज इतना, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो फ्रेंड ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो एलिगेशन मेथड जब भी यूज़ करते हैं तो हमारे जो क्वान्टिटीज़ होनी चाहिए तीनों का, जैसे एलिगेशन मेथड होता है, तीन होता है ना, ए बी और जो मिक्सचर रहता है सी, तो तीनों का जो क्वांटिटीज़ हैं इन सबको सेम टाइप में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारा क्या दिया है, एक क्वांटिटी तो हम मिल्क ले लेंगे प्योर मिल्क, तो 10 मतलब सीपी दिया हुआ है, और दूसरा क्वांटिटी वाटर होगा क्योंकि वाटर मिक्स किया गया है, तो वाटर का तो सीपी या एसपी, क्योंकि सीपी हमारा वाटर का 0 होता है, कॉस्ट पे कहाँ खरीदते हैं पानी, कौन खरीदता है फ्रेंड। आरओ का पानी तो अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मल पानी यहाँ पे मिलाएगा ना फ्रेंड, मिल्क मैन इतना अमीर थोड़ा है कि वो आरओ पानी, तो नॉर्मल पानी मिलाएगा, बिस्लरी नहीं मिलाएगा, तो नॉर्मल पानी मिलाएगा तो वो कॉस्ट सीपी 0 होगा, तो सेलिंग प्राइस से कोई ज़रूरी नहीं, तो मतलब 2 हमारा सीपी में आ रहा है। और मिक्सचर फ्रेंड हमारा दिया क्या हुआ है कि एसपी में दिया हुआ है, इसको हमें जो है मिक्सचर को जो होगा उसको भी अगर हम सीपी में ला लेंगे तो हमें एलिगेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हमारा निकल जाएगा। सीपी के लिए क्या करना है, प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 20%, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा 1/5, और प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे 6/5। ये चीज़ें फ्रेंड अभी मैंने नहीं बताई है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा करिए कि ये क्या है, तो 20% है, 20% को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 20/100 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:5 आ जाएगा, मतलब 1/5। अब फ्रेंड प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम इसका होता है कि इसमें +1 कर देंगे, प्रॉफिट है तो +1, अगर लॉस होता है तो -1 करते, प्रॉफिट है +1 कर दिया तो 6/5 हो गया। अब ये हमारा आ गया है रेशियो, अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग मिल्क, तो मतलब एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9 रुपीज़ पर लीटर, हमें चाहिए क्या, सीपी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं, ये जो रेशियो फ्रैक्शन है इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सीपी से हमें एसपी, तो एस जो होता है बाद में आता है, सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए ऐसे होता है, तो हमें एसपी दिया हुआ है तो हमें सीपी चाहिए, तो उल्टा हमें जाना पड़ेगा ना, इसलिए उल्टा मल्टीप्लाई। इस ये सबको हम फ्रेंड आगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने लगेंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी भी आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो हम जल्दी उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया उल्टा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6/5 काट देंगे 3 से 2 हो जाएगा 3, तो दैट मीन्स हमारा जो सीपी आएगा 15/2 आएगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा हमारा 7.5, ये हमारी सीपी आ गई जी 7.5, बाकी सब तो वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन बना लेते हैं, तो हमारा मिल्क है 10 रुपीज़ पर लीटर, ये देखिए दिख रहा है, तो 10 रुपीज़ पर लीटर मिल्क, 0 रुपीज़ पर लीटर वाटर, और मिक्सचर जो है 7.5, ये हमने निकाला था।
अब हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 फ्रेंड, 2.5 और यहाँ पे 7.5। इसके बाद ये हमारा रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का इन द मिक्सचर में। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 2.5 से काटेंगे फिर 25 से नहीं, तो 3:1 हमारा आंसर, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है ना फ्रेंड, अगर आपको नहीं समझ में आया है ना एलिगेशन मेथड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जल्दी उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, और नहीं तो आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए, बहुत आसानी से समझाऊँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि थर्ड, अ मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ ए ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाई मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाई 50%, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर इन द ओरिजिनल ऑर्डर इज। तो फ्रेंड कुछ नहीं, वो जो कल क्लर्क था उसका ध्यान कहीं और था, इसने इसीलिए गलती से इंटरचेंज कर दिया था। मतलब सबसे पहले हमें क्या दिया कि सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, ब्लैक सॉक्स जो दिया फेयर पेयर दिया हुआ था, मतलब हमारा ब्लैक सॉक्स जो था वो 4 पेयर में है, और ब्राउन सॉक्स का हमारा कोई नहीं दिया, सम पेयर बोला तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेना कि हमारा ब्राउन सॉक्स जो था एक्स पेयर थे ब्राउन सॉक्स के। अब बोल क्या रहा है कि द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर, तो हम प्राइस मान लेते हैं ब्राउन पेयर का, ब्राउन पेयर का प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसका प्राइस एक वाई रुपीज़ है, तो बी जो ब्लैक पेयर होगा उसका 2y हो जाएगा क्योंकि डबल है, ब्लैक सॉक्स का प्राइस डबल है ब्राउन पेयर के, तो ये हो जाएगा हमारा 2y, ये हमारा प्राइस आ गया। अब क्या कह रहा है कि इंटरचेंज कर देता है तो 50% इंक्रीज हो जाता है बिल। तो अगर फ्रेंड सही तरीके से करता, गलती ना करता तो कितना होता, ये 2y है तो इसका इंटू कर देते तो मतलब 8y हो जाता और प्लस xy रुपीस हमारा होता, इतना रुपीस हमें देना पड़ता। लेकिन अब क्या किया, बाई मिस्टेक इधर उधर कर दिया, तो मतलब जो ब्लैक पेयर था उसके लिए y रुपीस लगा दिया और जो ब्राउन पेयर था उसके लिए 2y लगा दिया है, गलत कर दिया है तो इधर उधर कर दिया। तो अब जो नया प्राइस हो जाएगा, नया प्राइस हो जाएगा हमारा 2y इंटू एक्स करेंगे क्योंकि ब्राउन पेयर के लिए 2y लगा दिया है। अब इसी तरह प्लस 4y हो जाएगा। अब हमें क्या दे रहा है कि ये जो है क्या बोल रहा है कि 50% इंक्रीज हो जाता है, तो मतलब ये जो नया वाला गलती से किया इसका जो प्राइस होगा, जो पुरान जो सही तरीके से करेंगे उसका 50% ज़्यादा होगा, तो 50% ज़्यादा मतलब 150 गुना होगा, तो ऐसे होगा 50% इससे ज़्यादा होगा तो 150% हो जाएगा इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो इक्वल हो जाएगा सेकंड पार्ट के। तो बस ये हमारा क्वेश्चन बढ़ गया, अब हमें सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 5 3 12 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 3 24 y प्लस 3 xy इज इक्वल टू यहाँ पे 4 xy हो जाएगा, और प्लस ये 2 × मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे, तो 8y ये हो गया। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, xy इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे y है तो इधर आ जाएगा 16y इज इक्वल टू 3 xy हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। अब हमें पूछ क्या रहा है फ्रेंड, रेशियो नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर इन द ओरिजिनल ऑर्डर, तो एक्स हमारा क्या था, ब्राउन पेयर था ओरिजिनल ऑर्डर में, तो और ब्लैक पेयर हमें पहले से दिया हुआ है कि 4 था, तो 4:16 तो डेट मीन्स 1:4 हमारा रेशियो हो जाएगा जो हमें पूछ रहा है, तो 1:4 हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज इतना, 50% ऑफ बॉयज एंड 25% आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर दियर स्टडीज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप्स। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, हमें स्कूल में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। अब बोल रहा है 50% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स स्कॉलरशिप मिल रही है। अब फ्रेंड हमारा क्या कह रहा है कि रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ, और इसमें बोल रहा है कि 50% बॉयज़ और 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रही। तो सबसे पहले हमारा लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे क्योंकि रेशियो में हमारा 8 दिया हुआ है,
और गर्ल्स जो हो जाएंगी वो 12x हो जाएंगी। अब बोल क्या रहा है, 50% ऑफ द बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कितने को नहीं मिलेगी फ्रेंड, 50% को नहीं मिलेगी। तो 8x का 50% निकाल लेते हैं, तो 50% मतलब जस्ट हाफ होता है, तो 4x बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसी तरह हमारा 12x गर्ल है और 25 को नहीं मिल रही, मिल रही है 25 को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 75% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। तो 12x का 75 निकालेंगे, तो 75/100 इंटू 12x कर देंगे, तो 25 × 75, 25 × 100 और 4 × 3 = 12, दैट इज़ 9x गर्ल्स को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली और 4x बॉयज़ भी थे। टोटल हमारे 13x स्टूडेंट थे जिनको नहीं मिले। यहाँ क्या बोला है फ्रेंड कि स्कूल स्टूडेंट जिनको नहीं मिले उसका परसेंटेज चाहिए, तो इनको नहीं मिली। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल 8 बॉयज़ थे 8x और 12x गर्ल्स थी, तो टोटल स्टूडेंट हमारे 20x हो जाएंगे। टोटल में से 13x को नहीं मिली। अब इनका परसेंटेज तो कुछ नहीं, 100 ये हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये 25 हो जाएगा और 13 × 5 = 65, तो 65 हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना फ्रेंड क्या किया हमने, कुछ नहीं, हमारा रेशियो दिया हुआ था, तो हम इसमें से कितने बॉयज़ होंगे 8x होंगे और कितने गर्ल्स होंगे 12x होंगे, वहाँ से हमने लिया। उसके बाद 50% बॉयज़ को मिल रही है, तो मतलब जितने को मिल रही है उनको निकाल देंगे, तो हमारा ये मिल जाएगा कितने को नहीं मिल रही है, तो 50% को मिल रही है, तो 50% बॉयज़ को भी नहीं मिलेगी। तो 50% हमने 8x का 50% निकाला, तो हाफ हो जाएगा, 4x हो गया, तो 4x बॉय को नहीं मिल रही। उसके बाद 25% गर्ल को मिल रही है, तो 75% गर्ल्स होंगी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी, तो हमने 75% गर्ल्स का कर लिया, तो हमारा आ गया 9x। अब हमें क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट कितने जिनको नहीं मिल रही है, 13, और टोटल स्टूडेंट क्लास में हैं कितने, मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं, टोटल हैं कितने, तो हमारे 20 हैं, तो इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज मिल जाएगा, नहीं तो ये हमारा रेशियो हो जाता कितने को मिली कितने को नहीं। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन एन ऑर्नामेंट द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज इतना, द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द ऑर्नामेंट, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह हम करेंगे। तो मान लेंगे जो रेशियो गोल्ड होगा वो 3x होगा और कॉपर जो होगा 2x होगा। अब पूछ कर रहा है परसेंटेज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड हमारा इतना है, परसेंटेज पूछे तो मतलब अपॉन में टोटल, तो अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 = 5, तो दैट मीन्स 3x/5x इंटू 100, ये हो गया। अब एक्स 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 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 × 30 = 23 = 60 हमारा गोल्ड होगा। अब चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड टाइप 3 में हमारे 5 इक्वेशंस थे, अब हमारा आ गया है टाइप 4 जो एज से रिलेटेड है। तो एज के लिए फ्रेंड मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी जिसमें मैंने एज को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक धमाकेदार ट्रिक बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका वो ट्रिक भी समझ में आ जाएगी और बैठ भी जाएगी दिमाग में, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।